और देखते रहिए कबूल है। माशाल्लाह, इस दुल्हन को किसी की नजर ना लगे। आज की रात का हमें कब से इंतजार था। आज के बाद हम जैमी की बाहों में होंगे, सारी दुनिया को भूल जाएंगे, उसकी सांसें हमारी सांसों में घुल जाएंगी, हम उसके आगोश में सिमट जाएंगे। कभी घबरा कर, कभी शर्मा कर, हम मोहब्बत की दुनिया में एक नया कदम रखेंगे। सोया, तुम यहां क्या कर रही हो? मैं आप कुछ करने नहीं, कुछ कहने आई। जो खेल हम दोनों ने शुरू किया था उसमें तुम जीत गई, मुझे हरा दिया तुमने। मुझे बहुत अफसोस रहेगा कि ना तो मैं तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठे कर पाई और ना ही तुम्हें तुम्हारे गुनाहों के लिए सजा दिलवा पाई। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का रहेगा कि मैं मिस्टर खान के सामने ये साबित नहीं कर पाई कि मेरे अब्बू बेकसूर हैं और तुम गुनहगार। लेकिन फिर भी तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि मिस्टर खान को बख्श दो, उनकी जज्बात के साथ मत खेलो। या अल्लाह, हम भला जैमी के जज्बातों के साथ क्यों खेलेंगे? क्योंकि हम ही तो हैं जो उसके जज्बात को अच्छी तरीके से समझते हैं। जज्बातों के साथ तो तुमने खेला है, ये तो तुम हो जोया, तुम जो तुम बीच में पता नहीं कहां से आ गई और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में और अपनी ये भोली भोली आंखें दिखाकर ना हमारे जैमी को फंसा लिया। लेकिन हाँ, वो कहते हैं ना कि इबादत सच्ची हो तो मोहब्बत आखिर मिल ही जाती। मिस्टर खान तुम्हें मोहब्बत नहीं करते, समझी? अरे सच्ची मोहब्बत तो निकाह के बाद ही होती है जोया, वो भी हमसे मोहब्बत करने लगेंगे, देख लेना। तुम भी जानती हो कि वो दिन कभी नहीं आएगा। तुम्हें इस बात का डर था कि अगर मेरे हाथ तुम्हारे खिलाफ कोई भी सबूत लग गया तो मिस्टर खान तुमसे निकाह तो क्या तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेंगे। कौन सा सबूत सोया? क्योंकि तुम्हारे पास हमारे खिलाफ कोई सबूत है ही नहीं। पता है सोया, कुछ खेल ना कच्चे खिलाड़ियों को खेलने ही नहीं चाहिए, तो क्यों हमारे साथ खेल खेल कर अपना वक्त जाया कर रही हो? जैमी को भूल जाओ, वो सिर्फ हमारा है। तुम्हें परेशानी क्या है सोया? तुम चाहे लाख कोशिश कर लो लेकिन अब जैमी की निगाह में तुम अपनी जगह नहीं बना सकती। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो तुम्हें एक ही नजर में पसंद कर सकते हैं। माना कि तुम हमारे जितनी खूबसूरत नहीं हो लेकिन हाँ ठीक ठाक दिखती हो, और माशाल्लाह जवान भी हो और खुले मिजाज की भी हो। और जानती हो, ऐसी लड़कियों को लोग बहुत जल्दी पसंद कर लेते हैं। तुम्हें भी कोई ना कोई लड़का जरूर मिल जाएगा, हम ही ढूंढ देंगे। लेकिन उससे पहले ना प्लीज हमें तैयार होने में थोड़ी सी मदद कर दो, हमारा निकाह है। चली गए, बेचारी दुखी हो गई। नहीं, बाजी ये रहे आपके इयररिंग्स। थैंक यू। हम सब क्यों शामिल हो रहे हैं इस निकाह में? हम सबको शामिल होने की क्या जरूरत है? असद और उस तनवीर का निकाह हम सबको कभी कबूल नहीं होगा। अम्मी, निकाह नहीं होने वाला है, मैं जानती हूँ ना। हम तो बस तनवीर के चेहरे का रंग उड़ते देखने जा रहे हैं। ठीक,
चलिए, निकाह का वक्त हो चुका है। अल्लाह बेहतर जानता है कैसे होगा ये सब। अम्मी, अल्लाह पे भरोसा रखिए। वो अपने नेक बंदों को ना कभी खाली हाथ लौटने नहीं देता। वाह बाजी वाह, हमारे खिलाफ सबूत छिपाने की कोशिश की जा रही थी। क्या बात है, वाह। ये तो बहुत ही अच्छा है कि तुमने कम से कम ये तो मान लिया कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है। इतनी आसानी से नहीं बाजी, तनवीर ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देख लेंगे कि आपके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत है, तब तक हम आपके बात पर यकीन नहीं करेंगे। अच्छा हाँ। और तुम्हें क्या लगता है बिल्लो रानी कि मैं वो सबूत तुम्हें दिखा दूंगी ताकि तुम उसे खत्म कर दो? अगर उसके बदले में हम आपको कुछ दें तो भी नहीं? ये भी तो हो सकता है कि जो तुम हमें दो वो हमें पसंद ही ना है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है बाजी कि जो हम आपको दें उससे आप इनकार ही ना कर पाए तो? अब वो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है बिल्लो रानी, दुल्हन के लिबास में तुम जेल जाती हुई अच्छी नहीं लगोगी। वो सब छोड़िए बाजी, हमें वो सबूत तो दिखाइए। वो तुम्हारी बड़ी बड़ी करतूतें जो है ना, इस छोटे से मोबाइल में कैद है। मैं जानती थी बिल्लो रानी कि तू आस्तीन का सांप है, कभी भी पलट कर काट सकती है। इसीलिए एहतियातन मैंने सांप के फन को कुचलने की तैयारी की हुई थी। वैसे राशिद मियां के काल की साजिश बड़ी एहतियात के साथ की थी ना, पर वो क्या है कि मैंने कुछ महीने पहले ही छत पर कैमराज लगवा दिए और उस दिन दरगाह जाने से पहले मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। और फिर क्या, सारी करतूतें रिकॉर्ड हो गई बिल्लो रानी और अब इस मोबाइल में है। यकीन नहीं हो रहा है ना? तुम मत करो, लेकिन कोर्ट में जब जज साहब ये वीडियो देखेंगे तो वो जरूर यकीन कर लेंगे। देखो राशिद मियां को सीढ़ियों से कैसे ऊपर लेकर जा रही हो। कितनी बेचैनी से असद और अयान को ढूंढ रहे हैं। मुझे समझाना है अयान को। बिल्लो रानी, ये तुमने चाकू निकाला? राशिद मियां छत के किनारे पर है। तुमने राशिद मियां के पेट में चाकू मार दिया। आप कहानियां तो बहुत अच्छी बना लेती हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि हम आपकी कहानी पर यकीन कर लेंगे? माशाल्लाह बाजी, चाल तो आपने बहुत अच्छी चली।
लेकिन चाल चलने से पहले जरा एक बार सोच तो लेती कि चाल किसके साथ चल रही। आपके पास हमारे खिलाफ कोई रिकॉर्डिंग नहीं, अगर होती ना तो एक बात आपको अच्छे तरीके से पता होती कि हमने राशिद मियां के पेट में नहीं बल्कि उनकी पीठ पर चाकू खोपा था। हम तो बस उनकी आंखों में देख रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह बाजी, क्या भोली और खूबसूरत आंखें हैं उनकी। अरे उन्हें तो पता ही नहीं चला कि हम कब उन पे वार करने वाले हैं। वो जैसा आपने कहा ना, वो तो बेचारे अपने आयान और असद को ही देख रहे थे। और बस बस मौका मिलते ही बाजी हमने उनकी पीठ पर चाकू भोंक दिया, मार डाला उन्हें। सच बहुत शातिर हो बिल्लो रानी, एकदम दुरुस्त फरमाया तुमने। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तब नहीं था लेकिन अब है। इकबालिया बयान, तुम्हारी जुबान में कैद है इस मोबाइल में, किस तरह से तुमने राशिद मियां की जान ली। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगी कि बोलती है, लेकिन बिल्लू रानी वो क्या है कि कभी कभी इंसान को थोड़ा सा कम बोलना चाहिए। खैर ये था मेरा ध्रुव का इक्का। सलाम खान, अब बहुत हो गया, अब मैं इसके आगे नहीं बढ़ सकता। मिस्टर खान प्लीज भरोसा रखिए, इस बार जीत हमारी होगी, हम तमीर को जरूर हराएंगे। सलाम, उसके खिलाफ जरूर सपोर्ट ढूंढ लेंगे मिस्टर खान। इस बार हमारे पास ध्रुव का इक्का है, प्लीज मिस्टर खान। वालेकुम अस्सलाम, आइए। फिज़ खान, अगर सबूत है तो अब तक हमारे हाथ में क्यों नहीं है? इसका अगर देर हो गई तो there's some problem, मुझे खुद ही देखना होगा। क्या कोई प्रॉब्लम? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। वो मौलवी साहब आ गया। हाँ अब हम आते हैं, वो थोड़ा सा तैयार हो रहे हैं, हम अभी आते हैं।
देर हो रही है, दुल्हन को बुलाइए। मोनिका है? पता नहीं। अल्लाह, इसका मतलब तकदीर ने फिर से खेल पलट दिया। मुमानी की चाल उल्टी पड़ गई। मैं जानती हूँ बेटा, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ तुम्हारे लिए और इस घर के लिए किया है। मैं तनवीर को इस घर को हड़पने नहीं दूंगी। इस घर को तुम्हारे अब्बू ने बनाया है और मैंने बहुत दिल से सजाया है इस घर को। मुझसे जो कुछ होगा मैं जरूर करूंगी। बताओ मुझे क्या करना है। अम्मी का फोन, जल्दी करो जल्दी। हेलो अम्मी, अम्मी क्या हुआ? इसे आवाज नहीं आ रही। हेलो, तो मुमानी को ढूंढना ही पड़ेगा। मैं आ, चल चल दुल्हन, जूतियां उतार कर बैठो। क्या हुआ? जूतियां उतार कर बैठो।
का मतलब तनवीर को सुबोध डिस्ट्रॉय करने का वक्त ही नहीं मिला और वो फोन को अपने जूते में छिपा कर घूम रही। इस निकाह में आज एक नई रस्म होगी, दुल्हन के जूते चुराए जाएंगे।